नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अज्ञात युवकों को पकड़कर पब्लिक ने की जमकर मारपीट, कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। पुरानी मंडी में पब्लिक ने दो युवकों को पकड़कर उनके कपड़े उतरवाकर उनके साथ जमकर मारपीट की। पब्लिक का आरोप है कि दोनों युवक एक महिला के पर्स में पैसे निकालते पाए गए। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया और जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने अपील की कि कोई अपराधी अगर इस तरह पकड़ा जाए तो उसके साथ वहां पर मारपीट करके कानून हाथ में ना ले, बल्कि इसको पकड़कर पुलिस को सौंप दे। आपकी मारपीट के दौरान अगर अपराधी को अंदरूनी चोट आ जाती है तो बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए कानून अपने हाथ में न लेकर पुलिस को सौंप दे। वहीं पुलिस उन दोनों से पूछताछ कर रही है। सर, क्या मामला था पुरानी मंडी वाला? कल पुरानी मंडी में दो संदिग्ध व्यक्ति थे जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने किसी महिला के बैग से मोबाइल चुराने का प्रयास किया, जिस पर वहाँ जो पब्लिक थी, आम जनता थी, उन्होंने उसकी उन दोनों की पिटाई लगाई है पहले, जिसका हमें ये सूचना भी प्राप्त हुई है। इसकी हम अभी जांच कर रहे हैं, अभी आइडेंटिफाई कर नहीं पाए हैं। जो भी व्यक्ति होंगे उनको उनके खिलाफ भी हम उचित कार्रवाई करेंगे और जो संदिग्ध है उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ मैं आम जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह का ऐसा कोई मामला हो तो वह स्वयं हाथापाई नहीं करें, मारपीट नहीं करें, पुलिस को इसकी सूचना दें और पुलिस के ही सुपुर्द करें, क्योंकि मारपीट करने में कहीं किसी व्यक्ति की अंदरूनी चोट हो जाए, हादसा हो जाए, तो वो उनके लिए भी घातक है और समाज में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि आम जनता कानून अपने हाथ में न ले और पुलिस को तुरंत किसी भी तरह की, खाली ये चोरी की नहीं, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो कॉल करें। तो आरोपी भी पकड़ा, आप क्या कार्रवाई करेंगे? संदिग्ध व्यक्ति हैं जो पूर्व में भी उनको आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उनको हमने अभी इस। शिक्षक संघ अंबेडकर ने संपत सारस्वत पर SC/ST मुकदमा दर्ज करने की मांग का गोविंद राम मेघवाल को बोले गए जाति सूचक शब्द। आज शिक्षक संघ अंबेडकर ने संपत सारस्वत पर SC/ST मुकदमा दर्ज उनको गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि संपत सारस्वत बीकानेर निवासी द्वारा विधायक गोविंद राम मेघवाल को जाति सूचक शब्द किए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा दलित समाज आहत हुआ है। वहीं प्रशासन से मांग की है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर उचित कार्रवाई की जाए। आज अजमेर कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी को राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की अजमेर शहर इकाई द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसके तहत मांग की गई। एक व्यक्ति है संपत सारस्वत बामनवाली बीकानेर के, जिन्होंने बहुजन समाज, दलित वर्ग, SC/ST OBC आरक्षित वर्ग तथा साथ ही माननीय विधायक श्रीमान गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ जाति सूचक व अपमान जनित शब्दों का प्रयोग किया है पूरे समाज के प्रति, और उन्होंने इस देश के भाईचारा व अमनपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया है। और राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की ये मांग है कि उस संपत सारस्वत को के खिलाफ SC/ST Act के तहत गिरफ्तार कर और उचित कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई करने का कार्य करे सरकार, ताकि देश में और राज्य में अमन चैन का वातावरण बना रहे। मैं दीपक कुमार, अजमेर शहर अध्यक्ष राजस्थान। प्रशासन ने JCB की मदद से बस स्टैंड से हटवाया अतिक्रमण। लाइसेंसधारियों ने नाले को चौक करके किया था अतिक्रमण। केंद्रीय बस स्टैंड पर कुछ समय से लाइसेंसधारियों ने नाले को चौक करके अतिक्रमण करके अपनी दुकानें खोली थी। आज प्रशासन ने JCB की मदद से नाले पर अतिक्रमण को हटवाया और नाले को खुलवाया। वह सबको हिदायत दी गई कि अगर उन्होंने फिर से अतिक्रमण किया तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और आने वाले समय में नाले के पास चैम्बर भी बनवाए जाएंगे, ताकि समय समय पर नाले की सफाई होती रहे। राजस्थान परिवहन निगम केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर आगार द्वारा जितने भी लाइसेंसधारी थे उनके द्वारा अपने दुकान के आगे नाले को पक्का करके अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे गंदगी और नाला चौक हो गया था। उनको नोटिस देने के पश्चात आज JCB मंगा के हम प्रशासन द्वारा इस नाले को ओपन करवाया गया है और इनको पाबंद किया है कि यदि अब भी इसमें अतिक्रमण करा तो आपके लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। और इसके पक्की व्यवस्था हेतु राजस्थान परिवहन निगम द्वारा इन नालों पे जगह जगह चैम्बर भी बनाए जाएंगे, जिससे प्रतिदिन सफाई हो सके, और इसके लिए दुकानदारों द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है। बोलानाथ आचार्य, प्रबंधक प्रशासन केंद्रीय।
गुगरा के पास दो युवकों का एक्सीडेंट, राहगीरों ने बचाया, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, परिजन भी पहुंचे अस्पताल। आज गुगरा के पास गाड़ी स्लिप हो जाने की वजह से दो युवकों का एक्सीडेंट हो गया। दोनों युवक गिरने के साथ ही बेहोश हो गए, जिसके बाद भीड़ का जमावड़ा लगा और राहगीरों ने दोनों युवकों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल उपचार के लिए भर्ती करवाया। वहीं हादसे की सूचना पाकर परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि महावीर और महिपाल का एक्सीडेंट हुआ है, जिनका उपचार चल रहा है। हमारे पास में कॉल आया था 15-20 मिनट पहले, तो हम फिर घूगरा गए थे और इनका एक्सीडेंट हो रखा था, पड़े थे ये, तो गांव वालों की मदद से फिर इनको जेलन हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस में। आप वहाँ गए थे, क्या देखा आपने वहाँ पे? पब्लिक इकट्ठा हो रखी थी और वहाँ तो हम गए थे, जैसे गांव वालों ने हमारी मदद करके उनको गाड़ी में डलवा दिया था। हमने नाला भी था पास में, नाले में कोई एक्सीडेंट हो गया, ये हमारे को ध्यान नहीं भैया। घायल कितने लोग हैं? घायल दो जने हैं। क्या नाम है? एक तो महावीर है और एक महिपाल है। आपका नाम? सुखदेव सिंह, पायलट 108 एम्बुलेंस। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते एक और मरीज की मृत्यु, चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत पर मरीज को लिया गया वेंटिलेटर पर, आज अस्पताल पर हुआ हंगामा। अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई और अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक और मरीज की मृत्यु हुई, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अस्पताल पैसों की लालच के चलते मरीज के शरीर के साथ खिलवाड़ करता है और छोटी सी बीमारी को बड़ा बना देता है। हॉराइजन इन न्यूज़ पर कुछ महीने पहले एक ऐसी ही खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें एक मरीज को चेस्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था और छोटी सी बीमारी के चलते इतना बड़ा बना दिया गया कि आगे चलकर मरीज की मृत्यु हो गई। और अब एक और ऐसा केस सामने आया है, जहां पर एडवोकेट प्रीतम सिंह सोनी ने बताया कि उनकी पत्नी के चेस्ट में दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को क्षेत्रपाल अस्पताल में दिखाया, जहां पर डॉक्टर ने उनकी पत्नी को तुरंत एडमिट करने के लिए और ऑक्सीजन देने की बात कही, जिस पर प्रीतम सिंह सोनी ने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया। और कुछ देर बाद प्रीतम सिंह सोनी के पास कॉल आता है कि उनकी पत्नी की तबीयत सीरियस है और उन्हें वेंटिलेटर पर लेना होगा, जिसके बाद परिजनों ने आकर देखा तो रानी सोनी बेहोशी की हालत में वेंटिलेटर पर थी। उसके कुछ देर बाद वेंटिलेटर हटाया गया और शाम को अस्पताल द्वारा फिर फोन आता है कि मरीज को फिर से वेंटिलेटर पर लेना होगा, स्थिति गंभीर है। उसके बाद परिजनों को कहा गया कि स्वास्थ्य नली लगानी पड़ेगी। परिजनों ने डॉक्टर की बात मानकर डॉक्टरों पर सब छोड़ दिया। उसके कुछ समय बाद रानी सोनी फिर से होश में आई। वहीं जब उनके पति प्रीतम सिंह सोनी ने फाइल देखी, तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को स्वाइन फ्लू का इलाज दिया जा रहा है, जबकि स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पहले ही नेगेटिव आई थी और उनकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती रही। आइसोलेशन पर डालने की वजह से उनकी पत्नी को निमोनिया हो गया। वहीं उनकी पत्नी जब होश में आई तो वह रोज लेटर लिखती रही कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं मर जाऊंगी। कुछ समय बाद परिजनों को पता चलता है कि पेशेंट गंभीर स्थिति में है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन द्वारा परिजनों को यह भी कहा गया कि आप इन्हें जयपुर लेकर चले जाइए, मरीज अभी जिंदा है। और अस्पताल द्वारा एक लेटर तैयार किया, जिसमें मरीज को रेफर करने के लिए लिखा गया। वहीं नीचे ये भी लिखा गया कि अगर रेफर करने के दौरान अगर मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन परिजनों द्वारा इस लेटर को साइन नहीं किया गया। इसके बाद जब प्रीतम सिंह सोनी के पुत्र भवप्रीत सिंह सोनी ने लीगल कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद अस्पताल ने माना कि मरीज की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद अस्पताल द्वारा परिजनों को मरीज के किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए गए और साफ मना कर दिया गया कि हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। इसके बाद सभी वकीलों ने एकता दिखाते हुए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पर प्रदर्शन किया। मौके की सूचना पाकर पुलिस और मीडिया भी पहुंची और डॉक्टर क्षेत्रपाल ने मीडिया और पुलिस के सामने परिजनों को सभी कागज देने की बात कही। लेकिन परिजनों का कहना है कि मीडिया और पुलिस के जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने पेपर देने से साफ मना कर दिया। जब वकीलों ने अस्पताल प्रशासन पर दबाव डाला, उसके बाद अस्पताल द्वारा परिजनों को पेपर दिए गए। मेरी वाइफ को 4/1/2020 को चेस्ट प्रॉब्लम के कारण भर्ती कराया गया था, चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन था। डॉक्टर प्रतीक कोठारी ने कहा इनको तुरंत भर्ती कराना पड़ेगा, इनको कुछ ऑक्सीजन देंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। उनकी बातों में विश्वास करके मैंने इनको भर्ती करा दिया, लगभग 1:30 बजे भर्ती करा दिया, 4/1/2020 को। इन्होंने ऑक्सीजन पाइप लगा दिया, मास्क लगा दिया, बाईपैप लगा दिया। शाम को अचानक 6 बजे मेरे घर पे फ़ोन आता, साहब इनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा, इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। अब मैंने कहा तो आप जानो डॉक्टर, आप आगे देखा तो उसके वेंटिलेटर लगा हुआ था और उसको नींद के इंजेक्शन लगा के तो बेहोश पड़ी हुई थी। 3 दिन बाद वेंटिलेटर मुँह से निकाला, शाम को फिर बोला साहब स्थिति गंभीर है, वापस लगाना पड़ेगा। लगाओ साहब डॉक्टर, आपको निर्णय आप करोगे। उसकी बातों में मैंने विश्वास किया।
फिर साहब बोला साहब ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी, श्वास नली में काट के छेद करते हैं साहब, इसमें गैस पूरी नहीं जाती, ना नाक से सांस जाती नहीं है, लगाना पड़ेगा। ठीक है साहब, जो चीज़ ले करो, ये निर्णय आपको करना है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पेशेंट के भलाई के लिए आपको निर्णय करना है। उसके बाद ट्रेकियोस्टोमी करी, डॉक्टर रीता शर्मा ने ट्रेकियोस्टोमी करी, उसके बाद लगातार मेरी वाइफ उसके बाद होश में आई, और जब मैंने जब डॉक्यूमेंट देखे तो उसके 4/1/2020 से 7/1/2020 तक स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आइसोलेशन भर्ती कर रखा है, जबकि स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई 7 तारीख को, उस नेगेटिव रिपोर्ट आने से पहले उसका स्वाइन फ्लू का इलाज कर रहे हैं और उसको आइसोलेशन में डाल रहे हैं। आइसोलेशन में डालने के कारण उसको क्लेब्सिबिला निमोनिया हो गया और कोकोहोमोलाइटिस बैक्टीरिया उसको लगा, उसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार है। उसके बाद मेरी वाइफ को लगातार प्रताड़ित करते रहे और रोज़ लिख के देती थी, क्योंकि गले में नली डली हुई थी, बोल नहीं पाती थी, मुझको लिख के दे रही है रोज़ के डेली, कैसा मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे चाय नहीं दे रहे हैं, मेरा बहुत बुरा हाल है, मुझे ले चलो मुझे मार डालेंगे डॉक्टर, ये डॉक्टर मुझे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मुझे छुट्टी कराओ फटाफट। उसने 7 दिन में 7 कागज लिख के दिए और 16 तारीख को जिस दिन उसकी डेथ हुई, ये सारे डे बाई डे कागज सुबह लिख के दे दी थी। 16 तारीख को जिस दिन उसकी डेथ हुई, मैं सुबह आया, उसका मुझे चक्कर आ रहे हैं, गर्म पानी दे दो, एक कप चाय दे दो, नहीं तो मर जाऊंगी, तो डॉक्टरों चक्कर में फंसा हुआ है। 11:45 बजे हम उससे मिले, मेरे दोस्त लड़के मिले, 11 बजे उसकी डेथ हो गई, हमें बताया नहीं। फिर 12:30 बजे क्या बोलते हैं साहब, सीरियस है पेशेंट, गो टू आनंद अग्रवाल और प्रतीक कोठारी, और डेथ होने के बाद वेंटिलेटर लगा दिया, ICU पर रखा क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में। फिर बोले साहब आप हायर सेंटर पर ले जाओ, कंसेंट दो कि हम अपने रिस्क पर इसको हायर सेंटर पर ले आना चाहते हैं, पेशेंट अभी क्रिटिकल है, ये हमसे लिखवा रहे थे, मैंने लिख के नहीं दिया, मुझे किसी डॉक्टर वहाँ के अंदर स्टाफ ने कहा साहब पेशेंट तो आप 11 बजे कोलैप्स हो गया, कि जानबूझ के आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर जाते जिंदा अवस्था में, ताकि मरने का भार इन पर नहीं आवे। फिर 1 बजे इनको हमने लीगल नोटिस दिया, पेशेंट की स्थिति बताई जाए, मेरे बेटे ने लीगल नोटिस दिया, फिर इन्होंने कहा साहब हाँ साहब डिक्लेयर डेड। उसके बाद बोले साहब आपका बिल बाकी है, मैंने 2,20,000 का बिल पेमेंट कर दिया, बाकी बकाया बिल था, मैंने कहा पेमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बोला उसके बगैर हम बॉडी रिलीज नहीं करेंगे। फिर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया मेरे को और डॉक्यूमेंट, और डेथ सर्टिफिकेट के बगैर बॉडी मूव कर दी, बोला डेथ सर्टिफिकेट अस्पताल के सारे कागजात, एक्सरे फिल्म वगैरह जो भी कागजात हैं वो, प्लस आपको पैसे रसीद शाम को घर पे पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद मैंने कई बार इनको नोटिस दिया लेकिन नहीं पहुंचाया। आज डेथ सर्टिफिकेट आज बना रहे हैं, तो डॉक्टरों की लापरवाही से और पैसे लूटने की प्रवृत्ति के कारण मेरी वाइफ की डेथ हुई। कहीं पे शिकायत की आपने? इनको नोटिस देंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे, FIR लॉन्च कराऊंगा, सारे काम दर्ज होंगे, अभी तो मैं पैनिक में था। डेथ को प्रीतम सिंह सोनी, सीनियर एडवोकेट, एक्स सेशन जज, श्रीमती रानी सोनी, मृतका का नाम। पड़ाव में ठेलों द्वारा सड़क पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रखा है, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जब तो अभी सीजिंग की कार्रवाई चली रही है, 60 पुलिस एक्ट में हम कार्रवाई कर रहे हैं, जगह जगह उन्होंने सड़क पर कर रखा था, हम डेली इस पर कार्रवाई करते हैं परंतु फिर भी आ जाते हैं, तो हम ये रिपीटेटिव एक्सरसाइज करे जा रहे हैं। पड़ाव आगे भी रहेगी? आगे भी रहेगी बिल्कुल, हमारी TI बहुत एक्टिव है इस मामले में, TI डेली इनको बोल रखा है, डेली सुबह शाम दोनों टाइम कार्रवाई होती है इस पर। ठेले भी करें बिल्कुल, समझाइश तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, ठेले हटवाए भी है, समझाइश से काम नहीं हो रहा, तब हम कार्रवाई पे आ रहे हैं कि ठेले उठवाए जाएंगे इनके। जो शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, किस तरीके से लेते हैं आप इसको? ये बहुत अच्छा कदम है नगर निगम द्वारा ये महंगा रेखा मैडम है, उनके द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, जो हर चौराहे पे जितने भी नॉर्मल जोन थे वहाँ ठेला हटाना और सौंदर्य करना बहुत अच्छा है। इसके अलावा ही ट्रैफिक पुलिस वाला जो सुनीता मैडम है, आज केसरगंज साइड से ठेले हटाए गए हैं और जो पड़ाव साइड से ठेले हटाए गए हैं, काफ़ी अच्छी पहल है और इसका हम स्वागत करते हैं और बहुत प्रशंसनीय कार्य है, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी। 26 जनवरी को लेकर रेलवे स्टेशन पर की गई सघन तलाशी, डॉग स्क्वाड, CID, RPF और GRP ने की तलाशी, संदिग्ध लोगों पर रखी है पैनी नजर। 26 जनवरी को लेकर आज रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी की गई, इसमें डॉग स्क्वाड, CID, RPF और GRP के जवानों ने रेलवे स्टेशन पर सघनता के साथ तलाशी लेते हुए आने जाने वाले यात्रियों का सामान चेक किया, संदिग्धों के ऊपर पैनी नजर पुलिस ने बनाई हुई है।
वहीं 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, इसलिए सभी पुलिस विभागों को निर्देशित किया गया है। हाँ मैं तो आज जो 26 जनवरी को लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, तो आज रेलवे स्टेशन अजमेर पर जीआरपी स्टाफ, आरपीएफ स्टाफ और सीआईडी के द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म पर सघन तलाशी अभियान किया गया। दौरान चेकिंग की जा रही है। किस तरह से चेकिंग करी जा रही है यहाँ पे? सामानों की और मशीनों पे पूरी सामानों की चेक की। डॉग स्क्वाड वगैरह सारे डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग की। ट्रेनों को भी जाते? ट्रेनों पे आने जाने वाली ट्रेनों को भी देखा, शताब्दी वगैरह सारी। आपका नाम? दिनेश जोशी। ऋषि घाटी से लेकर पुष्कर रोड तक अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, पुलिस जाब्ते ने हटवाया अतिक्रमण, वेंडिंग जोन में खड़ा करने की दी गई हिदायत। अतिक्रमण को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज ऋषि घाटी से लेकर पुष्कर रोड तक अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई और जगह जगह खड़े ठेले वालों को हटवाया गया और उन्हें वेंडिंग जोन में ठेला लगाने की हिदायत दी गई। पुलिस का कहना है कि आए दिन कहीं पर भी ये लोग ठेला खड़ा कर देते हैं, इसकी वजह से यातायात बाधित होता है। अगर ये फिर भी नहीं माने तो इनका सामान जब्त किया जाएगा। जी सर, पुष्कर रोड पे हम ये घाटी से स्टार्ट होकर के ये जितने भी ठेले वगैरह हैं इनको वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। वेंडिंग जोन हमारे दो बने हुए हैं, एक तो मित्तल हॉस्पिटल के सामने की तरफ उधर और एक उसके पीछे की तरफ राधा विहार कॉलोनी के सामने की तरफ। तो इन वेंडिंग जोन में इनको शिफ्ट करेंगे। ये क्या है कि जहाँ भी मर्जी आए वहाँ ठेले वगैरह खड़ा करके इतना ज़्यादा फेल करके रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं। समझाइश के लिए हमारा वाहन एक दो दिन से हमारे ये गाड़ी स्टाफ चल रहा था जो एक दो दिन से इनको समझा रहे थे, आज इनकी जब्ती की कार्रवाई करो। सर उसके बावजूद भी नहीं मानते? नहीं, सामान जब्त कर लेंगे ना हम, निगम में ले जाके जब्त करके डाल देंगे। कहाँ से कहाँ तक का? ये पुष्कर नौसर घाटी से स्टार्ट होकर के हम आगे पुष्कर रोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, सत्यनारायण बोरा। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com। सच के साथ।